सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म ने 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 114.93 करोड़ की कमाई कर ली है। जी हाँ, हम एकदम सही कह रहे हैं। जहाँ एक तरफ सलमान की टाइगर जिंदा है ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं इस फिल्म ने आमिर की दंगल को धूल चटा दी है। बता दें कि आमिर की दंगल ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 42.35 करोड़ की कमाई की थी। वहीं टाइगर ने तीसरे दिन 45.53 का कारोबार किया है। इतना ही नहीं, दंगल ने अपने वीकेंड पर 106.95 का कलेक्शन किया था। वहीं टाइगर जिंदा है ने अपने वीकेंड पर 114.93 करोड़ की कमाई कर आमिर को मात दे दी है। जहां एक तरफ सलमान आमिर से जीत गए हैं, वहीं वो प्रभास की बाहुबली 2 के आगे फुस होते नजर आए हैं। बता दें कि बाहुबली 2 ने अपने वीकेंड पर लगभग 128 करोड़ की कमाई की थी। भले ही सलमान जीत गए हों, लेकिन बाहुबली 2 के आगे हार ही गए। कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास की बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।